हाल ही में गगनयान मिशन के तहत इसरो द्वारा गगनयान के मेन पैराशूट सिस्टम को टेस्ट किया गया। पहले चंद्रयान, फिर सूर्ययान और अब गगनयान। इसरो धमाके पे धमाके किए जा रहा है। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं गगनयान मिशन के बारे में और जानेंगे कहां तक पहुंचा है गगनयान का काम। बात करें अगर गगनयान की तो बता दें 2018 में भारत सरकार ने एक अंतरिक्ष योजना की घोषणा की, जिसे गगनयान मिशन के नाम से जाना जाता है। इस मिशन के अंतर्गत इसरो द्वारा बनाए गए एक अंतरिक्षयान में एक महिला रोबोट के साथ 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रीगण को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। ये यान पृथ्वी के ऊपर 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 से 7 दिनों के लिए लो ऑर्बिट में यात्रा करेगा, जिसके बाद वापसी करेगा। गगनयान कब लॉन्च होगा? भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का आयोजन 2024 में किया जाने की योजना है। इस मिशन के पूरे होने के बाद भारत विश्व में अमेरिका, रूस और चीन के अलावा मानव अंतरिक्ष उड़ान का चौथा देश बनकर उभरेगा। गगनयान मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय प्रक्षेपण यान पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता को प्रदर्शित करना है। गगनयान प्रोजेक्ट में 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए भारतीय समुद्री जल में उतारा जाएगा, जिसके तहत रूस द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में भी हमारी सहायता की जा रही है। अभी तक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बैठने के लिए क्रू मॉड्यूल का निर्माण हो चुका है। गगनयान अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत 3 यात्राएं ऑर्बिट में भेजी जाएगी। इनमें 2 उड़ानें मानवों के बिना होंगी और 1 यात्रा मानव के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, जिसके ऑर्बिटल मॉड्यूल में 1 महिला रोबोट सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला होगी। गगनयान 5 से 7 दिनों तक पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लोअर कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। बात करें गगनयान की तैयारी और प्रक्षेपण के बारे में, तो इसके पूर्व 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों ने पहले ही गगनयान कार्यक्रम के तहत रूस में सामान्य अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस मिशन के लिए इसरो ने हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV-MK3 का चयन किया है। इस मिशन की लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मिशन की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए की थी। इसरो ने 2024 में पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की योजना बनाई है। गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV-MK3 का उपयोग किया जाएगा, जिसे लॉन्च व्हीकल Mach 3 भी कहा जाता है। ये 3 चरणों वाला भारी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जिसमें आवश्यक पेलोड क्षमता है। गगनयान यानी कि G1 का पहला अनक्रूड मिशन इस साल 2023 के दौरान निर्धारित किया गया है। इसके बाद 2023 के अंत में इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यान मानव रोबोट व्योमित्र और अंत में 2024 में पहला मानव युक्त गगनयान मिशन होगा। ये मिशन भारत के अन्य आगामी अंतरिक्ष मिशन के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा। अब मैं इजाजत चाहूंगा, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इस तरह के वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।